गाजीपुर से मोहम्मद इसरार पत्रकार की रिपोर्ट। प्रेमी ने प्रेमिका के चक्कर में युवक को मारी गोली, युवक की मौत। खबर गाजीपुर से है, जहां सादात थाना क्षेत्र के गुलमुजपुर बनवा गांव से है, जहां बनवा गांव एक प्रेमी ने प्रेमिका के चक्कर में युवक के सर पर गोली मार दी। गोली चलने की आवाज सुनते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। गंभीर अवस्था में युवक को आनन फानन में इलाज के लिए गाजीपुर जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने हालत गंभीर होने पर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। युवक को वाराणसी ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया है। गांव में बवाल ना हो उसकी दृष्टि से प्रशासनिक फोर्स पूरी तरह से तैनात है। युवक की हालत बेहद गंभीर, वाराणसी ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। फिलहाल आरोपी युवक को सादात पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। 22 एसपी ग्रामीण गोपीनाथ सोनी। गुजपुर बनवा गांव में गोली चली है, क्या है पूरा मामला? एक शादीबाद थाने का कुतुबपुर का रहने वाला सोनू गौड़ है जी। वो इस गांव में उसका ननिहाल था जी। वो यहां पर पहले से ही उससे कोई अनबन थी किसी लड़की को ही लेकर, उसमें उसने कल्लू चौहान को गोली मार दी। तो उनका इलाज ट्रामा सेंटर में चल रहा है और मौके पे ही पब्लिक द्वारा सोनू को पकड़ लिया गया था, तो उनको पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया है और इसमें जल्दी ही FIR दर्ज करके सख्त से सख्त कार्रवाई की। आज समय लगभग 11:30 बजे थाना सादात के ग्राम भरमुशपुर में कल्लू चौहान नामक व्यक्ति को चारपाई पर वह लेटा था। बगल के ही गांव के सोनू गौड़ ने उसको गोली मार दी। उसे इलाज हेतु सैदपुर भेजा गया, जहां पर उसकी गंभीरता को देखते हुए वाराणसी रिफर किया गया है। सूचना ये मिली है कि वहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। परिजनों की तहरीर पर हत्या का अभियोग दर्ज कर लिया गया है। नामजद जो अभियुक्त है उसको हिरासत में लेकर के विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर स्थानीय पुलिस बल और QRT PAC सब लगी हुई है। कानून व्यवस्था की कोई प्रतिकूल स्थिति नहीं है। प्रथम दृष्टया इसमें यह पाया गया कि मृतक और जो अभियुक्त है गांव के ही किसी प्रेम प्रसंग के कारण अभियुक्त ने गोली मारी है,